पुरवाई में संपन्न हुआ कांग्रेस का विशाल धरना प्रदर्शन। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बिकसा के गुरुवाई में कांग्रेसी नेता जिला पंचायत सदस्य रानी अहिरवार के नेतृत्व में क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर गुरुवाई बस स्टैंड पर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता मौजूद रही। धरना प्रदर्शन में मौजूद नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर कोसा। सभी वक्ताओं ने देश में महिला, दलित और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का जमकर विरोध किया और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा एवं स्थानीय मुद्दों के कार्यक्रम को लेकर सरकार से मांग की। कार्यक्रम में रानी अहिरवार ने धरना प्रदर्शन के मुख्य मांगों को मंच में दोहराया और शीघ्र ही मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। धरना प्रदर्शन के पश्चात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानी अहिरवार के नेतृत्व में तहसील का घेराव करने के लिए बस स्टैंड से पैदल मार्च शुरू किया और कार्यकर्ता भाजपा की प्रदेश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रही थी। बिना चौराहे से आगे ही पुलिस और प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और वहीं राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार कुरवाई को सौंप दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरिजेश साहू, सुनील वर्से, मजाज भाई सहित बड़ी संख्या में कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से पधारे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिदसा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। कुरवाई एवं पठारी की कृषि उपज मंडी सुचारू रूप से संचालन कराया जाए। ग्राम पठारी में शासकीय महाविद्यालय का निर्माण एवं कुरवाई में महाविद्यालय का निर्माण विस्तार कराया जाए। गौ माता के संरक्षण हेतु गौशालाओं का निर्माण एवं सुचारू रूप से संचालन कराया जाए। मंडी बाग और रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज शीघ्र निर्माण कराया जाए। गुरवाई के मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवा जाए। गुरवाई नगर के चारों ओर बाईपास का निर्माण कराया जाए। गांव-गांव में बिकने वाली अवैध रूप से शराब बंद कराई जाए एवं गुरवाई विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह जुआ और सट्टा चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। ग्राम भाजपा के संरक्षण में ग्राम पठारी को नगर परिषद का दर्जा दिया जाए। मणिपुर सहित मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं पर पूरे अत्याचार को तुरंत रोक लगाई जाए एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गुरवाई विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न ग्रामों में 12 जुलाई को अचानक आई बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों को तत्काल मुआवजा दिया जाए जो कि सर अभी तक नहीं दिया है। गुरवाई विधानसभा क्षेत्र की सड़कों में सैकड़ों ग्रामों में ग्रामीण आवास योजना से वंचित है, उनको तुरंत उसका लाभ दिया जाए। उक्त मांगों पर अविलंब विचार कर तत्काल निराकरण किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। समस्त कांग्रेस जन कुरवाई विधानसभा।